बॉडी से खबर, जहां वायरल ऑडियो मामले में पटवारी को निलंबित किया गया है। लेंसडाउन की पटवारी वंदना टमटा पर कार्रवाई हुई है। पटवारी और कानूनगो का रिश्वत मांगते हुए ऑडियो वायरल हुआ था। कानूनगो रमेश रावत का धुमाकोट तहसील अब ट्रांसफर हो गया है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। वायरल ऑडियो मामले में पटवारी को निलंबित किया गया है। लेंसडाउन की पटवारी वंदना टमटा पर यह कार्रवाई हुई है। पटवारी और कानूनगो का रिश्वत मांगते हुए दरअसल एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई है। अब कानूनगो रमेश रावत का धुमाकोट तहसील ट्रांसफर कर दिया गया है। हरिद्वार जिले में क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। हाल ही में नए एसएसपी अजय सिंह ने कार्यभार संभाला है। अजय सिंह का कहना है कि जिले में अपराध की घटनाएं पर अंकुश लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। एसएसपी ने कहा कि अगर कहीं पर भी क्राइम होगा तो उसकी जवाबदेही वहां के थाना अध्यक्ष की होगी। विकृत मानसिकता का व्यक्ति को ऐसी घटना कर देता है। साथ ही साथ दूसरी जो बात आती है कि जो स्ट्रीट क्राइम की बात मैं कर रहा हूँ कि सड़कों पर कहीं लोग फायर कर दे रहे हैं या कोई अन्य शराब पीकर या नशे की हालत में कोई कांड कर दे रहे हैं, तो उसके लिए बहुत स्ट्रिक्टली मैंने बताया है कि स्ट्रीट में अगर कोई क्राइम होता है तो उसकी जिम्मेदारी डायरेक्ट थानाध्यक्ष पे होगी। हल्द्वानी शहर की सुरक्षा अब हाईटेक सीसीटीवी कैमरों से होगी। पिछले दिनों हुई आपराधिक घटनाओं के खुलासे में सीसीटीवी कैमरों की अहम भूमिका रही है। साथ ही ट्रैफिक कंट्रोल के लिए भी सीसीटीवी कैमरे सहयोगी साबित हो रहे हैं। ऐसे में 40 लाख रुपए की लागत से शहर में जल्द ही 222 हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जो नाइट विजन के साथ एचडी क्वालिटी के होंगे। महत्वपूर्ण केस थे पिछले, उनमें सीसीटीवी का महत्वपूर्ण योगदान रहा था उनके केस के वर्कआउट में। इसको ध्यान में रखते हुए शहर में लगभग 222 सीसीटीवी लगाने का एक प्रपोजल हमारे पास है, जिसमें मेयर साहब द्वारा 40 लाख रुपए देने की घोषणा भी की गई है। और बहुत जल्दी इसमें नाइट विजन और हाई रेजोल्यूशन के जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने हैं और इसमें लगभग शहर को पूरा कवर किया जाए। वहीं यूसीसी के लिए ड्राफ्ट तैयार कर रही कमेटी ने रुड़की पहुंचकर मुस्लिम समाज के लोगों से सुझाव दिए। कमेटी ने पिरान कलियर और मंगलौर में मुस्लिम समुदाय के लोगों में से सुझाव लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी हर वर्ग के लोगों से सुझाव ले रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बेट नेशनल पार्क से सटे मरचुआ इलाके में देर रात बाजार में बाघ देखने को मिला। बाजार में बाघ की चहलकदमी से हड़कंप मच गया। बाघ इस वक्त गंभीर हालत में था। डर की वजह से लोगों ने इस दौरान बाघ पर गोली भी चलाई। इसके बाद बाघ की मौत हो गई। हालांकि बाघ की मौत फायरिंग से हुई, इस बात की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। कॉर्बेट से सटे इलाके में दहशत है। एक बाघ आबादी वाले इलाके में आ घुसा है, जिससे लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। ये तस्वीरें कॉर्बेट से सटे मरचुला इलाके की हैं। लोगों ने जैसे ही बाघ को देखा, दहशत मच गई। इस बीच बाघ लोगों की तरफ बढ़ने लगा। एक पल के लिए तो लगा कि ये बाघ किसी की जान ही ले लेगा। मगर तभी बाघ को आबादी वाले इलाके से भगाने के लिए कुछ लोगों ने फायरिंग भी कर दी। एक के बाद एक दो फायर होते हैं। बाघ डर जाता है तो वहां से दूर चला जाता है। अब इस तस्वीर को देखिए, ये बाघ एक जगह पर छिपा हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाघ बीमार था, जिस वजह से वो सही से चल भी नहीं पा रहा है। इस घटना के कुछ देर बाद ही बाघ की मौत की खबर आती है। अब कॉर्बेट प्रशासन इस बात की जांच कर रहा है कि बाघ की मौत हुई कैसे। क्या उसे गोली लगी थी या फिर बीमार होने की वजह से मौत हुई, कॉर्बेट प्रशासन इसकी जांच कर रहा है। एबीपी गंगा के लिए रामनगर से दानिश खान की रिपोर्ट। मौसम बदलने के साथ ही टिहरी के अस्पताल में मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। ओपीडी में अब हर दिन 300 से 400 मरीज आ रहे हैं। ज्यादातर लोगों को खांसी, जुकाम और बुखार की शिकायत है, जिसकी वजह से अस्पताल में लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। मौसम बदल रहा है तो सीजनल बीमारियां भी आ रही हैं।
और इन बीमारियों की वजह से ज्यादातर लोगों को अस्पताल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।